मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी कि तभी पीछे से एक आदमी आके उसके कंधे पे बने जख्म पे हाथ रखता जल्दी तैयार होने का कहता है, जिसके बाद वह लड़की बहुत हिम्मत करते हुए उठ के एक डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है और अपने कपड़े उतारते हुए उसके ऊपर लेट जाती है। सीन्स एक चाइनीज शेफ पे शिफ्ट होते हैं जिसे कोई बहुत सारे पैसे देता है, जिसके बाद वो शेफ उस डाइनिंग टेबल पे लेटी हुई लड़की को सुशी जो कि एक चाइनीज डिश है उससे पूरा भरने लगता है। अब एक तरफ शेफ उस लड़की को तैयार कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हम एक कैदी को जेल से आजाद होते हुए देखते हैं। लड़की किसी लाश की तरह टेबल पे लेटी सुशी से कवर होती है। उसे तैयार करने के बाद शेफ उसे समझाता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग्स को अच्छे से याद रखना होगा, यहाँ जो भी हो जाए उसके मुँह से उफ तक नहीं निकलनी चाहिए, ना ही वो हिल सकती है और ना ही किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट कर सकती है। ये सारी बातें जहन में रखेगी तभी वो कामयाब होगी वरना मारी जाएगी। सीन्स उसी जेल से निकले हुए आदमी फिश पे शिफ्ट होते हैं जो बाहर आते ही सबसे पहले अपने घर कॉल करता है। उसकी बेटी उसकी आवाज़ सुन के कुछ खास खुशी का इजहार नहीं करती, यहाँ तक कि उसकी पत्नी तो आवाज़ सुनते ही फोन बंद कर देती है, जिस पर फिश को दुख तो बहुत होता है पर शायद वो इसके लिए पहले से ही तैयार था। बाहर जाते ही कोई आदमी फिश का पहले से ही इंतजार कर रहा था, जिसे देख फिश थोड़ा परेशान तो होता है पर कोई ऑप्शन ना होने पर चुप करके उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। फिश उस आदमी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, उसका कहना था कि उसने तो किसी का नाम नहीं लिया ना पुलिस के आगे अपनी जुबान खोली, फिर अब ये लोग उससे क्या चाहते हैं। पर वो आदमी उसकी किसी भी बात का जवाब देने के बजाय बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। इसके बाद हमें ड्यूक और क्रो नामी दो आदमी दिखाए जाते हैं जो तेज बारिश में एक सुनसान और शहर से दूर बिल्डिंग में मिलते हैं। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे चड्डी बड़ी फ्रेंड्स हों। क्रो को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती पर ड्यूक का कहना था कि वो जल्द ही इसे एक बहुत कमाल चाइनीज रेस्टोरेंट में बदल देगा। क्रो को उसकी बात पे यकीन नहीं आता तो ड्यूक उसे उस हिस्से में ले जाता है जहाँ रेनोवेशन हो चुकी थी और वो वही डाइनिंग टेबल वाला रूम था जहाँ टेबल पे लेटी लड़की को कपड़ों की जगह सुशी से भरा देख क्रो का तो दिल मचलने लगता है। क्रो का सारा ध्यान काम की बातों से निकल के उस लड़की की तरफ चला जाता है पर ड्यूक अभी उसे उसके जज्बात पे काबू रखने का कहते हुए उसके साथ ड्रिंक करने पे लगा देता है और वो लड़की कोई भी रिएक्शन दिए बगैर बस किसी डॉल की तरह लेटी ये सब होता देख रही होती है। क्रो उससे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश करता है पर वो लड़की आंख तक नहीं चिपकाती जो क्रो को काफी हैरान करता है। अब ये दोनों बातें करने लगे ही होते हैं कि एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर मैक्स की। क्रो और मैक्स एक दूसरे को देख ज्यादा खुश नजर नहीं आते जैसे कोई जानी दुश्मन हो। दोनों बातों के तीर चलाते हुए एक दूसरे को घायल करने लगे होते हैं। मैक्स को क्रो का वजूद एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं था पर ड्यूक का कहना था कि इन सबको एक दूसरे की जरूरत है। इससे पहले दोनों हाथापाई पे उतरते वहाँ एक और आदमी फ्रांसिस पहुँचता है जो यकीनन इनकी टीम का हिस्सा है। इन सब की पहली नजर तो सुशी गर्ल पर ही पड़ती है पर फिर ड्यूक के ऑर्डर सुनते हुए ये लोग उसकी तरफ फड़ने के बजाय आपस में बात करने लगते हैं। फिर इनकी बातों से पता चलता है कि फिश भी इन्हीं की टीम का हिस्सा था और वो भी यहाँ आने वाला है। 6 साल पहले इन सब ने मिलके किसी मिशन पे काम किया था पर नाकामयाब रहे थे। आगे हम देखते हैं कि क्रो और मैक्स मजीद एक दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाते और मैक्स क्रो को जख्मी कर देता है जिस पर वो अपना जख्म साफ करने वॉशरूम चला जाता है। पीछे से फ्रांसिस सुशी गर्ल को लेके थोड़ा सस्पिशियस नजर आता है कि उसके सामने इन्हें इनकी इतनी पर्सनल बातें नहीं करनी चाहिए पर ड्यूक को उस लड़की से ऐसा कोई खतरा नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से वो अपना मुंह नहीं खोलने वाली। इतनी देर में फिश भी वहाँ पहुँच जाता है जो इन सबको खाने की टेबल पे बैठने का कहता है जहाँ इन सबको चेयर्स पे कुछ फेस मास्क पड़े मिलते हैं जिनका इनके पास से कोई लिंक था। ड्यूक इन सबको बताता है कि फिश के जेल से निकलने की खुशी में उसने ये पार्टी रखी है जहाँ ये सब एक चाइनीज गेम खेलेंगे, इसीलिए ये लड़की सुशी से कवर हुई यहाँ लेटी है। इस लड़की के ऊपर फिशेस में से एक फिश जहर वाली है जिसको खाते ही आदमी को एक दर्दनाक मौत आएगी। पहले उसका बदन काम करना छोड़ देगा जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जाएगा, इसलिए अभी कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। आहिस्ता
आहिस्ता ये सांप गेम में आगे बढ़ेंगे, जिस पर आखिर में जीतने वाला इस लड़की को हासिल कर लेगा। तभी तो जीत का मजा आएगा। अब इन सब की बातों से साफ पता चल रहा होता है कि इनमें से किसी को भी एक दूसरे में रत्ती भर की दिलचस्पी नहीं है। पर फिर भी ड्यूक के कहने पर ये सब यहाँ क्यों है, ये आगे पता चलेगा। मैक्स को चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, जिस पर इरिटेट हुए वो फिश पे चिल्लाना शुरू हो जाता है कि उसे इस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे बस उसके पैसे चाहिए। पर ड्यूक उसे काम डाउन करता बिठा देता है और सबको बस खामोशी से खाने का मजा लेने का कहता है, जिस पर फिश उसे कहता है कि उसे नहीं पता पैसे कहाँ हैं। उसने जेल में टाइम भी गुजारा और अपना मुंह बंद रखते हुए इन सबको बचा लिया। अब वो मजीद इससे क्या चाहते हैं, वो और कुछ नहीं चाहता और बस वापस घर जाना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। फिश के खामोश ना रहने पर ड्यूक उससे डायरेक्ट होते हुए पैसों का पूछने लगता है, पर फिश का जवाब अभी भी यही था कि वो कुछ नहीं जानता और वो बैग पुलिस ने ले लिया था, इसलिए उन्हें उसके पीछे टाइम जाया करने के बजाय पुलिस के पीछे जाना चाहिए। और बस यही रोता रहता है कि उन सब की वजह से उसके पीछे 6 साल जाया हो गए। फिर भी वो सब उस पे शक कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट बैग उसके पास था और न्यूज के हिसाब से पुलिस के पास बैग आने से पहले ही खाली था। इसलिए अब ये एक राज है कि इन सब ने 6 साल पहले मिलके जो डायमंड चोरी किया वो कहाँ गए। यही मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए ड्यूक ने आज इन सब को यहाँ जमा किया है। गुस्से में आते हुए फिश मैक्स पे इल्जाम डाल देता है और मैक्स तो पहले ही हाइब्रिड किस्म का इंसान है, जो फौरन लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। एक एक करते हुए फिश सब पे इल्जाम डालते हुए पॉसिबिलिटी बताने लगता है, पर ड्यूक उसे चुप करवाते साफ साफ सच बोलने का कहता है, वरना अंजाम के लिए जिम्मेदार वो खुद होगा। इसी मोमेंट पे सीन्स पास्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ ये सारे चोरी करने जाने से पहले तैयारी करते नजर आते हैं। सारे ही अपने मोमेंट में थे, कहीं ना कहीं सभी डरे हुए थे, पर इनका ड्राइवर सबसे ज्यादा परेशान था और यही वजह थी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगा था, जो उसे काम करने के लिए इन सबको सुननी पड़ रही थी। पर तब भी मैक्स और क्रो की लड़ाई और एक दूसरे के लिए नफरत वैसी ही थी। यहाँ ड्यूक सबको उनके स्पेशल मास्क देता है, जो पहन के ये सब चोरी के लिए जाएंगे, ताकि उनको कोई पहचान न सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि फिश इनकी टीम में नया है, जिस पर ड्यूक उसे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता है। पर अब इन सबको साथ काम तो करना ही था, इसलिए ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। फिर भी ड्यूक सावधान रहता है। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ इन सब ने फिश को जख्मी करते हुए अब बांध दिया था और फिर सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। पर फिश के कुछ ना बताने पर ड्यूक उसे टॉर्चर करने के लिए एक टूल बॉक्स ले आता है, साथ वहाँ एक स्टॉप वॉच रखता है, जिसका टाइमर बोलने तक हर बंदा अपने तरीके से फिश को टॉर्चर करते हुए उसे मुंह खोलने पर मजबूर करेगा। सबसे पहले ड्यूक शुरू करता है और सिर्फ बात करते हुए फिश को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिश के कुछ ना बोलने पर फिर से टाइमर लगता है और अगले बंदे को मौका देता है। यहाँ फिर से पहले जाने के लिए क्रो और मैक्स के बीच दूदू मैं शुरू हो जाती है। आखिर में मैक्स जीतते हुए पहले आगे बढ़ता फिश को मारने लगता है, पर फिश अभी भी मैक्स को इल्जाम दे रहा था, क्योंकि बैग बेशक उसके पास था पर मैक्स पुलिस वालों से मिला था। मैक्स उसकी बातों से गुस्सा हुए उसे दर्द पहुंचाने लगता है। आखिर एक लिमिट पे पहुंच के ड्यूक उसे रोक देता है, जिसके बाद बारी आती है क्रो की, जो फिर से मैक्स को पिंच करने लगता है कि वो उससे पहले फिश को मुंह खोलने पर मजबूर कर देगा। आखिर में दोनों शर्त लगाने का फैसला करते हैं, यानी जो पहले फिश का मुंह खुलवा के डायमंड्स का पता लगा लेगा वो जीत जाएगा, जिस पर सब मान जाते हैं और इन दोनों के बीच बैट लग जाती है, जिसके बाद क्रो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और चॉपस्टिक्स फिश की टांग में घुसा देता है। जब वो दूसरी टांग में भी डालने लगता है तो फिश कहता है कि उसे कुछ याद आ गया, जो सुन के मैक्स इरिटेट हो जाता है कि वो शर्ट हारने लगा है, पर उल्टा फिश उसे माँ की गाली दे देता है, जो सुन के क्रो की सारी एक्साइटमेंट मर जाती है और मैक्स क्रो का मजाक उड़ाने के लिए पागलों की तरह हंसने लगता है। ये देख गुस्सा हुए क्रो उसे पंच मारते बेहोश कर देता है और हम वापस पास्ट के सीन्स में पहुँच जाते हैं, जहाँ ये सब डायमंड चोरी करने उस जगह पे पहुँच गए थे। सिक्योरिटी किसी विजिटर्स के आने का सुन के चौंकना हो जाती है और उनके बाहर आते ही ये लोग एक मिनट का टाइम जाया किए बगैर एक एक करते सिक्योरिटी के लोगों को मार डालते हैं और इनके मास्क की वजह से कोई इनका फेस भी नहीं देख पाता, जिसके बाद ये लोग अंदर जाते हुए अफरा तफरी डाल देते हैं और सबको पूरी तरह डराते अपने कब्जे में करते हुए डायमंड्स मांगने लगते हैं। इसी दौरान में मैक्स एक आदमी का हाथ ही काट देता है और फिर डायमंड्स चुरा के ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट में फिश को वापस होश आता है, जिस पर अब मैक्स की टॉर्चर करने की बारी थी, तो
वो वाइन की बॉटल लेता है। इससे पहले वो अपना कोई मूव करता ड्यूक फ्रांसिस को जाने का कहता है, पर वो उल्टा ड्यूक को खुद स्टेप लेने का कहता है, जिस पर ड्यूक को उस पर शक होने लगता है, लेकिन फ्रांसिस बात संभाल लेता है। वहाँ मैक्स अपनी सॉक्स उतार के उसमें उस बॉटल को डालता तोड़ देता है और फिर उससे फिश के मुंह पे वार करता उसके मुंह को किरची किरची कर देता है। लेकिन बेचारे फिश को कुछ पता होता तो वो मुंह खोलता ना। आखिर इतनी दर्द और अजियत बर्दाश्त करने के बाद कौन चुप रहे, वो भी तब जब वो पैसा उसे कोई फायदा नहीं देने वाला, उल्टा उसकी जान ही लेगा। वहाँ वो सुशी गर्ल वैसे ही लाश की तरह लेटी ये सब होता देख रही थी। फ्रांसिस का ये सब देख बुरा हाल हो रहा था क्योंकि वो इस टॉर्चर के खिलाफ था, पर कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अब क्रो आगे बढ़ता है और अपना टॉर्चर बॉक्स खोलते हुए पहले तो फिश को वार्न करता है, पर फिश के अभी भी खामोश होने पर अपना काम कंटिन्यू करने का फैसला करता है। वहाँ ड्यूक फ्रांसिस को परेशान देख उससे सवाल करने लगता है कि वो पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया। अब एक तरफ क्रो फिश को टॉर्चर कर रहा होता है तो दूसरी तरफ ड्यूक और फ्रांसिस की बातें चल रही होती हैं, जिस पर ड्यूक रिवील करता है कि वो जानता है फ्रांसिस बाहर अपने साथ आदमियों को लाया है, जो सुन के फ्रांसिस की तो चिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वहीं क्रोफिश के दांत तोड़ने लगता है जो देख डरता हुआ फ्रांसिस वॉशरूम चला जाता है, जहां पहले वो खुद को काम डाउन करता है कि वो पकड़ा ना जाए, जिसके बाद वो ड्रग लेने लगता है और ड्रग लेने के लिए भी वो अपने बेटे की पिक्चर का इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी कुछ वायरिंग हुई है, जैसे वो इनके बीच हो रही बातें रिकॉर्ड कर रहा है। सीन्स वापस क्रो पे शिफ्ट होते हैं जो फिश के बहुत से दांत तोड़ देता है, पर फिश दर्द बर्दाश्त करने के बजाय कुछ नहीं कर सकता था। फाइनली फिश कुछ बोलने लगता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बातों बातों में कुछ याद करते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं साथ साथ हमें इनके पास में चोरी करने के बाद भागते हुए फ्लैशबैक्स देखने को मिल रहे थे। अब इससे पहले फिश किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता, मैक्स उसे पंच करते हुए इतना बुरा हाल करता है कि फिश वहीं दम तोड़ देता है। वहां पास्ट में इनकी वैन का एक गाड़ी के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। पास्ट के ही सीन्स दिखाए जाते हैं जहां सामने गाड़ी वाला आदमी इनकी मदद के लिए आता है, पर ड्यूक उल्टा गुस्से में आता हुआ उसे गोली मारता वहीं उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद इन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है तो अपनी जान बचाने के लिए ये लोग भागने निकल पड़ते हैं और अपने ड्राइविंग फ्रेंड को वहीं मरता छोड़ देते हैं, जिनमें सबसे पीछे फिश था और डायमंड वाला बैग उसी के हाथ में था। प्रेजेंट में फिश के मरने पर ये सब मातम कर रहे होते हैं क्योंकि इनके हिसाब से सिर्फ वही इन्हें तक पहुंचा सकता था। इसी दौरान मिक्रो और मैक्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ फ्रांसिस आके उन्हें रोकता हुआ कहता है कि ये सब ड्यूक का प्लान है कि वो इन सब को आपस में लड़वा के रस्ते से हटा दे और सारे डायमंड्स खुद रख ले। आज इन्हें यहाँ बुलाने का इसका कोई मकसद था। असल में डायमंड्स उसी के पास है। बात खुद पे आती देख ड्यूक फ्रांसिस के बाहर पुलिस को लाने वाली बात बता देता है, पर यहाँ आने से पहले ही फ्रांसिस वायर्स उतार आया था, लेकिन अब सब उसको शक की नजर से देख रहे थे, जिस पर ड्यूक उसे मार डालता है। ये देख अब मैक्स को भी ड्यूक पे शक होने लगता है, लेकिन क्रो ड्यूक का साथ देता है, जिस पर मैक्स और क्रो के बीच लड़ाई में दोनों एक दूसरे को गोलियों से छलनी कर देते हैं। मैक्स की तो वही मौत हो जाती है। क्रो की आखिरी सांसों में ड्यूक उसे गोली मारता ऊपर पहुंचा देता है, जिसके बाद वो सुशी गर्ल की तरफ बढ़ता है। पहले तो वो उसे गोली मारने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि डायमंड्स तो हाथ लगे नहीं, लड़की से ही मजे उठा ले, जिस पर वो सुशी गर्ल के ऊपर पड़ी आखिरी फिश उठा के खा लेता है, जो असल में जहर वाली थी। फिश खाते ही ड्यूक हिलने जुलने से रह जाता है। यहाँ सुशी गर्ल, जो अभी तक इस मूवी में एक साइलेंट रोल प्ले कर रही थी, फाइनली अपना मुंह खोलते हुए रिवील करती है कि जिस गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ और जिस आदमी को ड्यूक ने मारा वो असल में इसी का हस्बैंड था और ये अपने हस्बैंड का कत्ल होते गाड़ी से देख रही थी। तब तो ये कुछ नहीं बोली, पर इसने बदले की ठान ली थी। जब ये इन सब के जाने के बाद अपने हस्बैंड की लाश के पास गई, तो डायमंड का जो बैग फिश के हाथ में था वो गाड़ी में फंस के फट गया था और सारे डायमंड वहीं गिर गए थे, जो इस लड़की ने उठा लिए और 6 साल तक इनसे अपना बदला लेने की प्लानिंग करने में इस्तेमाल किए। ये सब बता के वो ड्यूक को गोली मारती वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि शेफ और ड्यूक का आदमी उसके साथ मिले हुए थे। शेफ तो सुशी गर्ल को वहाँ से ले जाता है, जबकि पीछे से उसका आदमी पुलिस की वैन और उस बिल्डिंग को आग लगाते हुए सारे सबूत मिटा देता है। इसी मोमेंट पे ये खूनखार मूवी सुशी गर्ल के बदले के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।